वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह सबसे पहले काम है मेरा यार ये थोड़ा सा हेयर रूटीन करना, मेरा हेयर केयर, क्योंकि इतने ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ गए भैया ठंडी के चक्कर में कि इसको लगाए बिना तो कुछ होने नहीं वाला, टकली हो जाऊंगी नहीं तो मैं। तो फटाफट पहले इसको लगाती हूँ। हे गाइस, तो बाहर में लगाना हो गया है डन एंड साथ में अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। एंड नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं साबूदाना, रात को ही मैंने भिगो कर रख दिया था तो अभी ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो ये साबूदाना अच्छे से फूल चुका है, प्लस ये आधा इसमें पक रहा है, उसको ढक देती हूँ। एंड तब तक मैं चलती हूँ ब्रश करने के लिए। अभी मैंने ब्रश किया नहीं है, जब तक पकेगा तब तक मेरा ब्रश हो जाएगा। सो हियर इज माई ब्रश, मैं कर लेती हूँ किचन में ही बिकॉज वहाँ का वॉश बेसिन बड़ा है थोड़ा। एंड साथ में अभी मुझे अपना किचन भी क्लीन करना है, मैं दिखाती हूँ चूहा का नामा। ये देखो, लुक एट दिस, इनकी पॉटिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर मैं कभी गलती से अगर इन लोग के लिए खाना ना छोड़ूं तो भी इन लोग किचन को टॉयलेट समझ के यहाँ पे हक हक के जाते हैं। इसको पोंछ के तो मैंने नाश्ता के लिए चढ़ा दिया था, अब कर लेती हूँ ब्रश, देन उसके बाद प्लेटफॉर्म क्लीनिंग कर लूँगी। हे गाइस, तो मेरा ये टेस्टी नाश्ता बनाना हो गया डन, काफ़ी टेस्टी लग रहा है तो फटाफट खाते हैं। हे गाइस, तो नाश्ता करने के बाद हम करेंगे अनदर DIY रूटीन बिकॉज फेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इतने डस्ट से होकर निकलता है मेरा फेस। तो मैंने बेसन और हल्दी ले लिया है, उसमें मिक्स करूँगी एक गुलाब जल एंड देन उसी का पैक लगाऊंगी। वैसे मैंने एक रील में देखा था कि लाइक न्यू ईयर रिजोल्यूशन कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि लाइक आप अपना ऐसे सेल्फ केयर करोगे उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है एंड सेल्फ लव भी जागता है आपका, अगर आप खुद पे इस तरीके से थोड़ा इन्वेस्ट करते हो टाइम। तो यार सेल्फ लव तो जगाना है तो फिर ये करना तो बनता है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। हे गाइस, मेरा फेस मास्क हो गया डन, अब चलती हूँ मैं खाना बनाने। तो दोपहर का आधा खाना बनाना हो गया डन, चटनी मैंने बना ली है टमाटर की, चावल बना लिया है, नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, अब बस जाएंगे नहाने देन बनाएंगे फिर भुजिया। हे गाइस, तो मैं अभी छत पे आई थी कपड़ा सुखाने, तो कपड़ा सुखाना हो गया डन, अब जा रही हूँ वापस नीचे। सो फाइनली मेरा खाना बनाना और मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। तो ले आई हूँ मैं अपने रूम में ही सारा खाना, बस भुजिया थोड़ा सा पक रहा है, क्रिस्पी हो रहा है, फिर उसको भी ले आती हूँ। तो ये है गाइस मेरे आज की थाली, चावल, टमाटर की चटनी और साथ में क्रिस्पी गोभी का भुजिया और साथ में खड़ी खड़ी मिर्चें। तो आज तो एकदम ज़बरदस्त खाना बन गया, अब चलो बिना किसी देरी के फटाफट चलती हूँ इसको खा लेती हूँ पहले। हे गाइस, तो खाना पीना खा के आराम करना हो गया डन एंड अब मैं निकल रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। A few moments later. हे गाइस, तो फाइनली निकल गई हूँ मैं ट्यूशन से एंड थैंक गॉड, अच्छी बात यह है कि अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब जिस एरिया में मैं तीनों पढ़ाने यहाँ पे पूरा पेड़ पौधा है, बहुत ठंडी लगती थी बट अब काफ़ी कम हो गई है जनवरी के स्टार्टिंग से ही, तो बस निकलते हैं घर। हे गाइस, तो फाइनली बैक टू रूम, तो फटाफट कर लेती हूँ चेंज एंड देन चलते किचन खाना बनाने। हे गाइस, तो अभी मैंने आटा सान लिया है रोटी बनाने के लिए, साथ में सब्जी बनाई है मैंने आलू गोभी, हाँ आलू गोभी की, और साथ में पापड़ भी निकाली हूँ, तो पापड़ में सेकने वाली हूँ तवे पर बिकॉज तलने के लिए वो अलग वाला तेल नहीं है मेरे पास। एंड पराठा खाने का मन कर रहा था पर रिफाइंड ऑयल है नहीं, तो मैं सोच रही सरसों तेल ही थोड़ा थोड़ा लगा के पराठा बना लूँगी। सो ये है मेरी आलू गोभी की सब्जी, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है तो अभी इसको थोड़ा सा और ढक के डबका लेती हूँ मैं एंड तब तक बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ। सरसों तेल में पराठा बनाने का प्लान कैंसिल बिकॉज इसकी शक्ल उतनी कुछ खास मुझे पसंद नहीं आ रही, घी हल्का हल्का ही तेल लगाती हूँ, ज़्यादा तेल लगाने से स्मेल करता है। रिफाइन तेल का पराठा खाने का याद आता है इसलिए सरसों तेल वाला फिर कैंसिल करते हैं, सादा रोटी खाते हैं। हे गाइस, सो फाइनली मैं अपना ये टेस्टी सा खाने की थाली लेकर बैठ गई हूँ एंड इसमें काफ़ी दिखाती हूँ जली भुनी दोनों टाइप की चीज़ें हैं। तो ये रोटी, सब्जी, आंवले का अचार, साथ में ये देखो सेकने के चक्कर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जला है, बट कोई नहीं काम चला लूँगी मैं। पराठा बनाने के लिए और ये सब तलने वाले के लिए एक मेरे को एक्स्ट्रा तेल का पैकेट लाना पड़ेगा रिफाइंड ऑयल वाला। हे गाइस, तो मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धोने, दिन का भी मैंने धोया नहीं था तो यहाँ पे काफ़ी बर्तन जमा हो गया तो फटाफट इसको धोती हूँ। तो प्लेटफॉर्म क्लीनिंग एंड बर्तन धोना हो गया डन। सो गाइस, अब हम चले सोने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक ले जाता, बाय बाय, गुड नाइट।